हेलो स्टूडेंट्स, ये है 11.3 का लास्ट आज है। कल से 11.4 चलेंगे। आज लास्ट क्वेश्चन है 4 का 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, 4 का 1 क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, एक ही जैसा इसका भी आंसर आएगा वाई बाई एक्स। क्या करना है, पहले लॉग लेना है। लॉग ले लेते हैं, यानी लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिए। पहले हम बता चुके हैं कि इनटू में रहेगा तो ये प्लस हो जाता है, और जो पावर में होता है पहले आ जाता है। अब देखिए अब है कि पावर क्यू है तो क्यू पहले आ गया, यानी थ्री आ गया। पावर फोर है तो फोर पहले आ गया। अब यहां तक सजा लेते हैं पहले, उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। थ्री कांस्टेंट है ये बाहर हो गया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा। फोर कांस्टेंट है बाहर होगा, लॉग वाई का होगा। सेवन बाहर हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वाई का होगा। और फिर चेन रूल में तोड़ते हैं, जितना यहां रहता है फिर इसको ऊपर ले जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा, थ्री हो गया लॉग एक्स का वन बाई एक्स, यहाँ वाई रहता है तो वन बाय वाई। लॉग वाई का डेरिवेटिव होता है वन बाय वाई डी वाई बटा डी एक्स। अब यहां देखिए कि एक्स प्लस वाई है तो वन बाई एक्स प्लस वाई, अगर यहाँ थीटा रहता तो वन बाय थीटा लिखते। और देखिए एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए अच्छा से कि इसको तो लिख दिए, थ्री को वन से इंटू किए तो थ्री आया, फोर को वन से करेंगे तो फोर वाई वाई आया डी वाई बटा डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए कि सेवन को वन से करेंगे सेवन एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसको वन से करेंगे गुना, यानी ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, इसको वन से करेंगे तो इतना आएगा। फिर सेवन बाई एक्स प्लस वाई को हम डी वाई बटा डी एक्स के साथ करेंगे तो इतना आएगा। अब मेरा क्या कहना था इसमें पूरे एक्सरसाइज में कि ये डी वाई बटा डी एक्स और डी वाई बटा डी एक्स एक तरफ कर दो, एक कास्ट का एक तरफ कर देते हैं। फिर ये जो बचा थ्री बाई एक्स, इसको इधर कर दी। अब ये दोनों से कॉमन लिए डी वाई बटा डी एक्स, कॉमन लेते के साथ एक स्टेप छोटा कर दिए कि इसका एलसीएम भी ले लिए, वाई और एक्स प्लस वाई का एलसीएम ही आ गया। तो एक्स प्लस वाई फोर से इंटू होगा तो फोर एक्स फोर वाई, और वाई सेवन से होगा तो माइनस सेवन वाई। उसी तरह ही दोनों का एलसीएम लिए, भीम का यानी घटाव कर दिए, तो x को सेवन से तो सेवन एक्स, और x को थ्री से थ्री एक्स थ्री वाई, ये दोनों कट गया। अब आ गया कि ऊपर फोर एक्स और फोर वाई है, सेवन वाई है, सेवन वाई फोर वाई घट गया तो थ्री वाई है फोर एक्स, इसमें भी उसी तरह है घट जाएगा तो फोर एक्स माइनस थ्री वाई, दोनों कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो क्या होता है कि ये इंटू में है उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, यानी ये वाई था ऊपर चला गया और एक्स नीचे, ये हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है ना। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि इफ, क्वेश्चन है वाई इफ कॉस वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, तो इतना प्रूव करके लाइए। ये वीवीआई क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से लिख उतारिएगा और अच्छा से इसको रिवाइज भी कीजिएगा। गिवन दैट कॉस वाई इक्वल टू, ये क्वेश्चन हुआ, ये इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो, हम ए कास्ट को एक तरफ कर दिए, वाई वाला वाई है वाई तरफ कर दिए, अरे एक से अकेले तरफ। आप देखिए इसका रिवाइज करते हैं हम लोग कैसे से, यू इंटू वी में इसको डेरिवेटिव करेंगे, लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं आप लोग, जितना लैंग्वेज लिखिए अच्छा रहेगा। यू बाय वी है तो वी बाहर होता है, यू अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस होता है, और जो बाहर हुआ था उसको अंदर करते हैं, और जो अंदर था उसको बाहर करती है, यानी यू बाय वी का फॉर्मूला लगा दिए। अब देखिए चेन रूल में तोड़े हैं कि जो यहाँ रहेगा नीचे नीचे वाला फिर ऊपर, और एक्स का डेरिवेटिव यहाँ किया डी एक्स बटा डी एक्स। अब देखिए कॉस का तो कॉस जस के तस, कॉस है तो कॉस का होता है माइनस साइन, ई तो कॉस है तो कॉस,
कॉस का होता है माइनस साइन, एक्स प्लस वाई, ए कॉन्स्टेंट है जीरो, और वाई का डी वाई बट्टा डी एक्स, और एक्स का वन। देखिए वन यहाँ लिख दी। अब क्या किए, डिवाइड में होता है फॉर्मूला वी स्क्वायर, तो वी जगह जो रहेगा कॉस ए प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखिए कॉस माइनस साइन लिख दी, डी वाई बट्टा डी एक्स बाहर कर दी, इसमें डी वाई बट्टा डी एक्स था बाहर हो गया, यहाँ क्या बचेगा माइनस और माइनस, प्लस कॉस वाई और साइन ए प्लस वाई लिख दी। अब ये कोई फार्मूला में पूरा लाइन ध्यान दीजिए, कॉस इंटू साइन बी और साइन इंटू कॉस बी, इधर से कीजिए उधर से कीजिए, बीच में माइनस आ जाएगा, जिसके कारण फार्मूला होता है साइन ए प्लस ए माइनस बी, इसको ए मान लिए इसको बी मान लिए, तो ए माइनस बी, वाई वाई कट गया, साइन बच गया ए, और ये जो था से इंटू कर देंगे वन से तिरछा, तो कॉस ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये जो इंटू में साइन है तो ये डिवाइड में हो गया, ये प्रूव हो गया। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आइए सिक्स नंबर क्वेश्चन, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा, कॉस एक्स रूट में मतलब बढ़ते जा रहा है इन्फिनाइट तक, कोई भी चीज जब भी बढ़ते जाएगा इन्फिनाइट तरफ तो उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट कैसे करते हैं, तो y इक्वल टू लेट कर लेते हैं कि कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स, इसी तरह है कॉस एक्स है ना, तो लेट कर लिया, यानी यहाँ वाई रहेगा तो इसको हम लोग जो बार बार रिपीट होता है उसको वाई मानेंगे, यहाँ एक्स रहता तो यहाँ एक्स मान, एक ही चीज जब बार बार रिपीट हो तो हम लोग उसको लेट करते हैं। तो y इक्वल टू हो गया कॉस एक्स, अरे जो बार बार कॉस कॉस रिपीट हो रहा है उसको y मान लिए, ये रूट है इधर आएगा तो स्क्वायर हो गया, अब यहां से यहां स्क्वायर हो गया, अब जो y था प्लस में इधर आया तो माइनस हो गया, अब इसको करेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का अलग हो गया, वाई का अलग हो गया, कॉस एक्स का हो गया, वाई स्क्वायर का टू आई डीवाई बट्टा डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये दोनों से कॉमन लेंगे डीवाई बट्टा डी एक्स, तो बचेगा टू आई माइनस वन, और यहाँ से माइनस साइन एक्स, ये इंटूम है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देखिए तो हम लोग को प्रूफ करना था, चूंकि क्वेश्चन था प्रूट करना इतना, प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, ये प्लस है तो प्रूट हो गया, प्रूट क्या करना था कि माइनस साइन इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो इतना प्रूट करना था, डीवाई बटा डी एक्स टू आई माइनस वन प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, प्रूट बहुत इजी है। फिर देखिए उसी तरह एट नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई इक्वल टू इसी तरह रिपीट हो रहा है जो बार बार, उसको क्या हम लोग लेट करते हैं वाई, जो यहाँ रहेगा वाई है तो वाई ले लिए, अब क्या करेंगे रूट है तो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाता है, अब वाई को इधर कर दिए, डेरिवेटिव किए, एकदम सेम क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर वाई एक्स डीवाई बटा डी एक्स हो जाता है वाई का, तो डीवाई बटा डी एक्स, एक्स का वन, ये दोनों से कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस वन, और ये इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड में, प्रूव होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन, मेहनत कीजिए आप लोग। अब आए नाइन नंबर क्वेश्चन, देखिए नाइन नंबर क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज है, ये सिंपल नहीं बनता, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को बताते रहे, है ना। इफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, इतना, और ये प्रूव करना, हम डायरेक्ट इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये प्रूव नहीं होगा, बहुत दिक्कत, है ना, थोड़ा अलग ढंग का, इसलिए इसमें देखिए कैसे बनता है, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा आप लोग। एक्स के जगह साइन ए मानेंगे और वाई के जगह साइन बी मानेंगे, ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको बना लीजिएगा बार बार, ये सिंपल में नहीं आएगा, ट्राई भी करके लीजिए देख लीजिएगा। तो एक्स साइन ए है इधर चला जाएगा, जैसे साइन को हम उधर ले जाते हैं तो इनवर्स हो गया, साइन को उधर लेंगे तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी, यानी ये और बी का वैल्यू निकालिए, काम देगा आगे। अब ये मेरा क्वेश्चन है, ये वाला गिवन दैट करके लिखते जाइएगा आप लोग बार बार, है ना, क्या हम लोग कितना ही लिखते जाए, तो वन हर जहां जहां एक्स और वाई है वहां साइन ए बैठा दिए, साइन बी बैठा दिए, जहां एक्स माइनस वाई था वहां साइन ए और साइन बी बैठा दिए। अब देखिए
वन माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कॉस ए। फार्मूला मैट्रिक्स से पढ़ते आए आप लोग, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाए आप लोग को, वन माइनस साइन स्क्वायर भी तो कॉस बी, अब यह साइन ए साइन बी। आप फार्मूला देखिए, कॉस सी प्लस कॉस डी, आप लोग को बहुत बार बताए कि ट्रिग्नोमेट्रिक के बिना पूरा मेथ अधूरा है। आप देखो ए प्लस बी मतलब यहाँ सी आर डी मानते थे, यहाँ ए आर बी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस ए प्लस कॉस बी फॉर्मूला था टू कॉस ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू, और हम लोग पढ़े थे सी और डी में। साइन ए माइनस साइन बी का होता है पहले कॉस बाद में साइन, कॉस और कॉस कट गया, ये कॉस बच गया और ये जो है साइन गुना में इधर इधर आएगा तो भागा में, तो बच गया इधर सिर्फ ए। तो कॉस बटा साइन आप लोग बहुत बार पढ़े हैं कोट होता है, इधर ए हो गया। आप देखिए कोट को हम उधर ले जाएंगे तो कोट इनवर्स ए हो जाएगा, और ये जो बट्टा में टू है टू को उधर ले जाएंगे तो गुना हो गया, तो क्या निकल का ए माइनस बी इक्वल टू टू कोट इनवर्स। अब इसको क्या करेंगे, तो जो ए है एक जगह बैठा देंगे, जो हम लोग लाए थे ऊपर में साइन इनवर्स एक्स, बी है बी का वैल्यू लाए थे साइन इनवर्स वाई, अरे तो जस के तस है। आप डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो साइन इनवर्स का हो गया, साइन इनवर्स वाई का हो गया, अरे कोट इनवर्स है ये कांस्टेंट है, जब तक यहाँ एक्स नहीं होगा ये कोट का जीरो हो जाएगा, जब तक एक्स नहीं होगा तब तक इसका कोई रिस्पेक्ट कोई डेरिवेटिव नहीं होता, क्योंकि हम चूंकि यहाँ लिखे रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स है तब होगा, है ना, वेरिएबल होना चाहिए। चलिए तो साइन एक्स का हो गया कितना वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स वाई का हो गया वन बाय वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स, और कॉन्स्टेंट तो जीरो। देखिए माइनस है बराबर का हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो गया, एक चीज ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा फिर जीरो कहाँ गया सर, ये माइनस है उधर ले गए तो प्लस हो गया, यानी डेरिवेटिव भी कर दिए और बराबर को उधर ले गए। आप देखिए क्या करना हमको, डी वाई बटा डी एक्स निकालना, ये जो भागम है इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ऊपर चला गया तिरछा इंटू कर दिया ऊपर चल गया, डी वाई बटा डी एक्स ला दिए इतना प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, छोटा क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू है एक्स प्लस वन बाई एक्स। आप क्या किए तो सबसे पहले इसको एलसीएम ले लिए एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब एक्स को इंटू कर दिए इधर तो एक्स इंटू वाई, अब इसको डेरिवेटिव करेंगे इंटू भी टूटेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे टूटता है तो यू बाहर किए भी अंदर, भी बाहर और एक्स अंदर, एक्स अंदर करते तो एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, और एक्स स्क्वायर का हम डायरेक्ट कर दिए, आप सीखिए डायरेक्ट करने के लिए, एक्स स्क्वायर का टू एक्स और वन का जीरो, एक्स डिवाइड बटा डी एक्स वाई इक्वल टू टू एक्स प्रूफ होता है। इस तरह पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। अभी थोड़ा सिलेबस खींचेंगे, है ना, प्रत्येक दिन खींचना है सिलेबस, इसलिए थोड़ा स्पीड से भी चलिए आप लोग डेरिवेटिव, ठीक। कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे 11.4, कल ही पूरा कंप्लीट कर देंगे, बहुत छोटा एक्सरसाइज है, फिर परसों से 11.5 चलेंगे, ठीक। आप लोग पूरा मेहनत कीजिए, रिवाइज कीजिए, और पीछे जितना आप लोग को पढ़ा चुके हैं आप लोग रिवाइज कीजिए, अन्यथा भूल जाइए। डिटरमिनेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूटी सारा रिवाइज कीजिए आप लोग, ठीक।